कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री खरगोन आ रहे हैं, धार आ रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा इसका? बहुत फर्क पड़ेगा। इस देश के अंदर एक ही नेता है जिनमें वोट टर्न करने की कैपेसिटी है, और ये बहुत दावे से कह रहा हूं। मैंने बंगाल के अंदर, हरियाणा के अंदर जो सीट हमारी कमजोर थी, वहां हम लोगों ने मोदी जी की सभा करवाई, उसके बाद सर्वे किया। कहीं 6% वोट बढ़ा, कहीं 8% वोट बढ़ा, 4% वोट तो सब दूर बढ़ा। तो इस देश के अंदर वोट बदलने की क्षमता अगर किसी एक नेता में है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के पास। लगातार लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, इंदौर की राजनीति हर किसी ने देखा, किसको आप जानते कौन था इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, कांग्रेस स्वयं जिम्मेदार है। कांग्रेस ने जो नकारात्मक राजनीति की है, कांग्रेस ने इस देश के अंदर एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका से अलग हटके राजनीति की है, और इसलिए कांग्रेस छोटी होती जा रही है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरे भाई को शहजादा, जबकि वो 4000 किलोमीटर पैदल चले। लोगों से समझा कि इस देश को क्या चाहिए। मोदी जी के बारे में क्या जानती हूँ? मोदी जी ने कितने साल प्रचारक रह के काम किया, कितने साल उन्होंने आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया पहाड़ के ऊपर, क्या जानती है मोदी जी के बारे में? वो उनका भाई है, उनके भाई के प्रति उनकी सहानुभूति होना चाहिए। वो तारीफ कर रही है एक बहन के रूप में, तो बहुत अच्छा कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि दिग्विजय सिंह दूल्हा बनकर तैयार हैं घोड़ी पे बैठने के लिए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत संजीदा नेता हैं, पर वो जीतू पटवारी के षड्यंत्र में फंस गए। जब पार्टी ने कहा कि सीनियर नेताओं को लड़ना है तो उन्होंने तो हामी भर दी, पर जीतू जी चुपके से निकल गए, तो वो षड्यंत्र के शिकार हो गए। और इसलिए मुझे मालूम है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए मेरी उनके प्रति सहानुभूति। कैलाश विजयवर्गीय जी ने News18 के मंच पर देश की सियासत पर खुलकर अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ नीतीश गुप्ता, News18 इंदौर।